गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश प्रयाग का रहने वाला हूँ। कैपिटल मॉडल के स्कूल की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि इस कोरोना महाकाल में आप लोग सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आगे की पढ़ाई के लिए हम कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे पहले कैप्टन मॉडल स्कूल कक्षा 8 विषय हिंदी है, पाठ का नाम है तेरी जमीन। कविता है, आपने फिल्म में भी देखा होगा, एक फिल्म में भी आई थी, एक सॉन्ग है इसका। इस सॉन्ग का है कि तेरी जमीन तेरे आसमान। इस कविता में ये प्रार्थना किया है, बच्चों ने प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर हमें आप इस पृथ्वी पे जब लाए हो तो हमारे रहने खाने पीने या भी जितने भी संकट हो उस संकट के मुसीबत से उबार। और ये सॉन्ग कविता इसलिए गाया गया कि एक फिल्म बनी थी द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन की एक, उसमें आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो कवि ने उस ट्रेन को देखा, जलती हुई कवि ने उस पर यह निर्भया है। निर्भया क्यों गया कि बच्चे बार बार इस पोएम को गा रहे थे कि गाने से बच्चों को ये हो रहा था कि अगर हम ईश्वर को याद करेंगे तो हम बच सकते हैं। तो उसी पे निर्भया गया कि तेरी है जमीन तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू है बख्शी कर, सभी का है तू, सभी है तेरे, हे ईश्वर तेरी जमीन है, इस पृथ्वी तूने बनाया है, आसमान तूने बनाया है और तू बहुत मेहरबान है सब लोगों को। तू चाहे तो हमें बख्श दे, तू चाहे तो हमें मार दे, सभी का तू है उबारे, तू सबको चाहे जिसको चाहे बचा सकता है और जिसको चाहे समाप्त कर सकता है। तेरी है जमीन हे मालिक, हमें इस दुनिया में लाए हो, हे मालिक हमें इस दुनिया में लाए हो, तो लाने के बाद आपने ये तो सोचा ही होगा नहीं कि हमको कैसे बचाना है। जितनी भी संकट मुसीबत जो भी है, मैं अज्ञानी हूँ, वो सब दूर करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर लाए हो, तो हे प्रभु हमारी आप मदद करें। तो इसी पे कहा है कि तेरी है जमी तेरी है आसमान, सब कुछ तुम्हारा है। ये जिस्म हो या जा पाए, जो हमने अपनी शरीर पाई हुई है, अपनी जो शरीर पाई हुई है सब तुमने दिया है और किसी ने दिया नहीं है। किस हाल में है ये खबर रखना, आपको ये खबर रखनी है कि मैं किस हाल में जी रहा हूं। तेरे सिवा और कोई रखता नहीं है इस पृथ्वी पे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमको रख सकता है पृथ्वी पे, तू चाहे तो हमें मार सकता है। और तू आगे झुका सके सर, मैं तेरे आगे ही सर झुका सकता हूँ और किसी के सामने सर झुकाना नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुझे ये सब कुछ मानता हूँ। हे ईश्वर हमें सब कुछ, हमें ऐसी ताकत दे कि हम संसार से लड़ सके, जीवित हो सके। और तू चाहे तो आफत टाले, हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए वो टाल सकता है। तो तेरी है जमी तेरा है आसमान, यह लेसन पार्ट का पहले पार्ट का तेरी है जमी का दिया गया है। पूरे का अर्थ यही है कि हे ईश्वर तूने इस पृथ्वी को बनाया हुआ है, हमें इस पृथ्वी पर पैदा किया हुआ है, अगर तू चाहेगा तो हम इस पर सुरक्षित रहेंगे, तू नहीं चाहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो भी संकट मुसीबत आएगी तो मुझे उससे उबार देगा। अगर हम कहीं अज्ञानता पाते हैं तो तू मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाएगा, हम कहीं अंधकार में जाएंगे तो तू हमें प्रकाश की मार्ग पे ले जाएगा। और तेरी है जमीन तेरा आसमान, यही इस लेसन का पूरे मीनिंग का मतलब है कि हमें इस पृथ्वी पर एक दो बच्चे होते हैं, वो अपने सुबह सुबह बैठ कर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें तू अज्ञानता से दूर कर। ये सब पृथ्वी जमीन तेरी बनाई हुई है और बच्चा यही दोनों बच्चे बैठ कर भगवान से अपने अनुनय विनय करते हैं। तेरी है जमीन, यही है इसका पूरे पाठ का अर्थ। एक छोटी सी कविता है और इसका छोटी सी लाइन में प्रस्तुत किया गया है। इसे अच्छी तरह अगर एक बार आप इस पोएम को अच्छे से अपने मन से भी बता सकते हो कि मुझे पृथ्वी पे लाए हुआ, हमें पालना पोसना खिलाना पिलाना रहना सारी सुविधा सब आपके द्वारा मिला है,
और किसी के द्वारा मिला नहीं है। वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर सब में व्याप्त होता है, साथ ही ईश्वर स्वरूप भी होता है, वही सबको मानना पड़ता है। कि सारे संसार का, जितना भी पूरे संसार का विवेचन करने के लिए कोई भी विवेचन करता है, लेकिन उसको निकालने वाला कौन है? प्रभु ईश्वर। बस यही अपने पाठ का मीनिंग है। थैंक यू।